स्वागत है धारी इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल पे। हर रोज़ की तरह आज भी हम लोग एक नया वीडियो लाए हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे 600 स्क्वायर फीट एरिया का आजकल 2020 में क्या रेट लगेगा बनाने में, जो हम लोग एस्टीमेट करेंगे। एक रफ एस्टीमेट हम लोग आज करेंगे 15x40 का प्लॉट का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे सामने आप देख रहे हैं कि ये एक एक्सेल शीट है जो काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। इसमें हम लोग बताते हैं सबको डिटेल में। हम लोग देखिए टोटल प्लॉट एरिया हम लोग यहाँ पे डालते हैं, बिल्टअप एरिया हो गया, यहाँ पे डिफरेंस दिखाएंगे, टोटल फ्लोर टू बी कंस्ट्रक्टेड, ग्राउंड प्लस कितना बनाना है आपको, ग्राउंड प्लस वन कितना बनाना है, ये सब डालेंगे। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इसमें निकल जाएगा, क्या रेट आपका पर स्क्वायर फीट खर्च आया, फर्स्ट फ्लोर पर क्या खर्च आया वो देखेंगे, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यहाँ पर मिलेगा, टोटल बिल्टअप एरिया आपका क्या हुआ कि प्लस वन का। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का रेट लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही आपको बताएगा कि पर स्क्वायर फीट क्या रेट आपका आया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फ्लोर एंड एबव का कंस्ट्रक्शन रेट अलग साइड होता है, तो वो यहाँ पे डालेंगे। और भी नीचे है देखिए, जैसे यहाँ पे बता देगा कि सीमेंट कितना आपका लगेगा, सैंड क्या लगेगा, स्टील क्या लगेगा, केजी में है, ग्रेवल का है, सीएफटी में है, ब्रिक का है, नंबर्स में। और यहाँ पे हम लोग रेट डालेंगे। अभी आप लोग मान लीजिए कि इसका रेट हमें आपको नहीं मालूम, तो यहाँ पे रेट आपको नहीं मालूम है, जीरो हो गया। तो अप्रॉक्स अभी मार्केट रेट चल रहा है सीमेंट का 400 पर बैग। चलिए हम शुरू करते हैं ऊपर से। टोटल प्लॉट का एरिया है 15x40 फिट। उसके बाद बिल्टअप एरिया का हम आप क्या बना रहे हैं, तो हम लोग जिस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं उसमें 15x40 का ही है, 15x40 का है। अगर आपका प्लॉट ज़्यादा होता जैसे कि 18 फिट होता, 18x40 होता, तो 720 स्क्वायर फीट होता, जो कि बिल्टअप एरिया से टोटल प्लॉट एरिया में डिफरेंस 120 स्क्वायर फीट आता है यहाँ पे। मगर हमारा जो प्लॉट है वो 15x40 का है, ठीक है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ग्राउंड प्लस कितने फ्लोर चलना है, ग्राउंड प्लस वन, ग्राउंड प्लस टू, ग्राउंड प्लस थ्री, ग्राउंड प्लस फोर, जो भी चलना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम लोग चलेंगे इसमें ग्राउंड प्लस वन के बारे में, ग्राउंड प्लस वन के बारे में बात करेंगे। तो टोटल आपका जो फ्लोर हो गया वो 2 फ्लोर हो गया। यहाँ पे आप देखिए बहुत ही ईजी प्रोसेस है, हम लोग जैसे ही इतना डालेंगे आपका उस एरिया में कितना खर्च आएगा पर स्क्वायर फीट, 615 रुपये स्क्वायर फीट आ रहा है इसमें अभी के रेट से। हम लोग उसमें रेट डिफरेंस होता है एरिया बाई एरिया, हर स्टेट का अलग होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग रेट होता है। और हाँ, इसमें जो हम लोग रेट दिखा रहे हैं इसमें आपका प्लिंथ लेवल का ऐड नहीं किया जा रहा है, जिसमें कि सॉइल फिलिंग होता है या सैंड फिलिंग कीजिए या सॉइल फिलिंग कीजिए, इसमें बोरिंग का खर्च नहीं है, सेप्टिक टैंक का नहीं है, तो ये सब छोड़ करके है, एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। अब बात आता है कॉन्ट्रैक्टर का रेट, कॉन्ट्रैक्टर का रेट आपका एरिया में क्या रेट चल रहा है इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर का रेट कम रहता है तो आपका मकान बहुत ही सस्ते दर पे बन जाएगा, अगर कॉन्ट्रैक्टर का रेट ज़्यादा होगा तो आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर रेट एटलीस्ट मिनिमम चलना चाहिए, अभी का जो रेट चल रहा है वो 200 के आसपास चल रहा है, हम इसमें 210 लेके चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के लिए, क्योंकि ये एक छोटा सा स्ट्रक्चरल मकान है इसलिए हम लोग इसमें 210 लेके चल रहे हैं। और जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे अप्रॉक्स रेट चल रहा है 100 से 130 तक का, तो हम लोग 130 लेके चलते हैं। तो ये देखिए इसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्टर रेट ले लिए, अगर यही हमारे पास 2 फ्लोर होता तो ये इंटू 2 हो जाता, ये कॉन्ट्रैक्टर रेट पर स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर एंड एबव का ही है, ये ओनली ग्राउंड फ्लोर का है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में क्या होता है, पाइलिंग होता है, फिर फाउंडेशन वर्क होता है, फिर प्लिंथ बीम होता है, उसके नीचे एक ग्राउंड बीम होगा, फिर प्लिंथ लेवल बनेगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर का रेट जो है ग्राउंड फ्लोर का ज़्यादा रहता है। और ऊपर में क्या होता है, डायरेक्ट कॉलम को खड़ा करते हैं और उसका शटरिंग करके छत का ढलाई कर देते हैं, इसीलिए इसका रेट कम है। तो ये एक अप्रॉक्स रेट हम लोगों ने डाला है। तो देखिए यहाँ पर आप आ गया टोटल अप्रॉक्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 799,800 ये आया जी प्लस वन के लिए, एक बेसिक है स्ट्रक्चर का ये, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अब क्या क्या इसमें कितना खर्च आ रहा है। देखिए जैसे कि सीमेंट आपका 210 बैग लगेगा, तो इसमें ऊपर नीचे हो सकता है 10-20 बोरा ऊपर चलेगा, ये ऑटोमेटिक एक कैलकुलेटर है जो हमने बनाया है 106 में। तो देखिए ये 210 बोरा आएगा इसमें, अगर अभी का रेट अगर आप इसमें रेट कम कर देते हैं, कम में अगर आप सीमेंट यूज़ करते हैं तो ये कम आ जाएगा रेट, लेकिन एक बेस्ट सीमेंट जो है 400 के रेट में आपको मिलेगा, बाकी ये वेरी करता है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट टू स्टेट में। और
उसके बाद सैंड, सैंड का क्या रेट चल रहा है देखिए, 480 CFT लगेगा, यानी करीब करीब 500, इसमें आप प्लस माइनस 100 आप करके रख सकते हैं। इसका जो रेट है वो अराउंड हम लोग 45 लेके चल रहे हैं पर CFT का। ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का रहा है, एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर ग्राउंड फ्लोर। और देखिए इसमें स्टील जो है 2640 kg लगेगा, तो स्टील का रेट 55 यूज़ कर रहे हैं, जो बेसिक लोकल मार्केट का रेट का 65 है पर kg। देखिए यहाँ पे स्टील का रेट हम लोग 55 पर kg डाले हैं, तो 2 टन और 600 kg लगेगा, तो इसका टोटल रेट होता है 145,200। ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं हम लोग। और ट्रैवल इसी तरह 780 CFT का है, अगर 75 रुपये पर CFT हम लोग इसका एक रेट रखते हैं। करीब करीब आपको 4 ट्रैक्टर लगेगा, यानी कि 6,000 पीस लगेगा। ये सिर्फ प्लिंथ लेवल से ऊपर का है, प्लिंथ लेवल के नीचे का नहीं, इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि किसी किसी साइट पर जो होता है वो बहुत गड्ढे में होते हैं, तो उसका प्लिंथ 5 फीट 6 फीट रखते हैं, आप 7 फीट रख लीजिए, या किसी का प्लिंथ 1 फीट ही रहता है, तो वो वैरी करता है, डिपेंड करता है क्लाइंट पे कि उनका प्लॉट कहाँ पे है। तो एक ईंट का दाम हम लोग 10 रुपये रखते हैं, तो 60,000 रुपये का आपका ईंट लगेगा। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट आपका आ गया 3,69,300 सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का। और इसमें लेबर कॉस्ट, जो लेबर कॉस्ट आपने रखा था देखिए 210 पर CFT, तो ये एक लेबर कॉस्ट आ गया आपका 78,000 का सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने का और ब्रिक वर्क करने का, यानी कॉलम कास्टिंग करने का और ब्रिक वर्क का। तो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका ग्राउंड फ्लोर का 3,04,500 रुपया है, इसमें आप प्लस माइनस 50,000 कर लीजिएगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। और इसी तरह आपने लिखा था कि ग्राउंड प्लस वन का, सॉरी ये आपका ग्राउंड प्लस वन का आ गया है, देखिए 3,04,500 इसका आ गया, ये फर्स्ट फ्लोर का है, ये ग्राउंड फ्लोर का था। ग्राउंड फ्लोर का 4,95,300 लग रहा है और ऊपर में 3,04,000 रहेगा। नीचे का लेबर कॉस्ट 1,26,000 लगेगा, ऊपर का लेबर कॉस्ट 78,000 रुपया लगेगा, जो एक आपका स्लैब कास्टिंग करके कॉलम और ब्रिक वर्क करने के बाद आएगा 3,00,000। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे ग्राउंड प्लस वन में, तो आपका 7,99,800, इसमें आप प्लस माइनस 1,00,000 रुपया करके रखिएगा, यानी करीब करीब 9,00,000 रुपया ग्राउंड प्लस वन में एक अच्छे मकान बनाने में लगेंगे, 9,00,000 रुपया सिर्फ एक बिल्डिंग कॉलम को खड़ा करने का और ब्रिक वर्क का। और फिनिशिंग का बात करें तो फिनिशिंग का एक्चुअली हम लोग पास एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, आप देख लीजिए, बाकी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फिनिशिंग करवा रहे हैं। देखिए हम आपको परसेंटेज बता सकते हैं, जैसे कि पेंट पे आप 7,99,000 यानी टोटल फ्रेम स्ट्रक्चर खड़ा करने का 4.8% आप पेंट पे खर्च कीजिएगा, जो आपका अमाउंट आता ही है। इसी तरह टाइल्स पे 8% आप खर्च कर रहे हैं, विंडो पे 3% खर्च कर रहे हैं, डोर पर 3.4% खर्च कीजिएगा जो कि 10,000 का है करीब करीब, प्लम्बिंग का 5.5 है। और जैसे कि आप जिस प्लान के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप इस प्लान के बारे में डिटेल में देख सकते हैं कि ये प्लान किस प्लान के बारे में हम बात कर रहे हैं। बाकी आप स्क्रीन पे देखिए, जो बगल में जो ये जो प्लान है, आप इस प्लान को आप देख सकते हैं, 2 BHK का प्लान है, बहुत बढ़िया हमने बनाया है, ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग है। आप आई बटन पर क्लिक करके इस प्लान को डिटेल देख सकते हैं। तो आपका फिनिशिंग पे 2,84,000 लगेगा ग्राउंड पर फ्लोर, यानी करीब करीब 6,00,000 रुपया आपका खर्च आएगा फिनिशिंग पे, और 9,00,000 रुपया आएगा आपका बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करने का, यानी 9 और 6 15,000 15,00,000 रुपया आपका आएगा 600 square feet का G+1 बिल्डिंग में, ये कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप पर स्क्वायर फीट 825.50 यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर के लिए, जो कि ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है। ऐसे फ्रेम स्ट्रक्चर में आप चलते हैं तो 1,000 से 1,200 तक चलता है काफ़ी। अगर और आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका भी, आप अपने प्लॉट का अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं क्या कितना खर्च आएगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इस तरह के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका क्या प्लॉट एरिया है, तो उसमें हम लोग बताएंगे कितना आपका कॉस्ट आएगा इंक्लूडिंग फिनिशिंग करने का। चलिए थैंक यू सो मच।